लिमरा न्यूज, हम दिखाते हैं सच, देश प्रदेश की सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिमरा न्यूज। नमस्कार, मैं अंकित तिवारी, लिमरा न्यूज देख रहे हैं आप। हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे जूनियर एडर शिक्षक भर्ती है, जो इनका रिजल्ट आ चुका है 15 नवंबर को, जिसके बाद इनकी भर्ती होनी है, लेकिन उसका कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा है, जिसकी वजह से ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि जितने भी रिक्त पद हैं उस पर भर्ती की जाए, आचार संहिता से पहले उसे पूरा किया जाए, जिसको लेकर ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। जी भाई, रिजल्ट आ चुका है 15 नवंबर के बाद, अब क्या कुछ कहें? सर, ये भर्ती का विज्ञापन आता है फरवरी में, फिर सर एग्जाम इसका प्रस्तावित था अप्रैल में, लेकिन सर कोरोना और पंचायत चुनाव की वजह से पहले एग्जाम इसका हट गया, टला, फिर दोबारा कोरोना आया, फिर इसका एग्जाम होता है 17 अक्टूबर को, फिर 15 नवंबर को रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद इस भर्ती में कुछ नहीं है, ना तो इन्होंने हमें कितने टोटल पद रिक्त हैं वो बताए हैं। हमारी मांग बस इतनी है कि आचार संहिता से पहले जितने ज़्यादा से ज़्यादा पद हैं, जितना अधियाचन प्राप्त हुआ है, जितने चाहे वो 5,000 हों चाहे 6,000, उन पर आचार संहिता से पहले हमें विज्ञप्ति जारी करके दे दें। मतलब जितने भी रिक्त पद हैं उसे भर के प्रोसेस आगे बढ़ाया जाए आप लोगों का। जी सर, जितने रिक्त पद हैं उन पर प्रोसेसिंग कराई जाए, हमें प्रोसेसिंग से मतलब है, प्रोसेसिंग आगे बढ़ाई जाए। 2 महीने से हमारी प्रोसेसिंग शुरू नहीं की गई है, 2 महीने रिजल्ट आए हुए हो गए। जी 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 मैम, आप महिला हैं, इतनी दूर कहाँ से आए हुए हैं आप? जी, हम तो लखनऊ से ही हैं। लखनऊ से ही हैं, तो मतलब घर वाले से क्या कुछ दबाव नहीं बनना है, क्योंकि इतनी ठंड शुरू हो गई है, आप महिला हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रिजल्ट आ चुका है, क्या कुछ घर वाले बोल रहे हैं? घर वाले बोल रहे हैं कि इतने दिन हो गया पेपर दिए हुए, कुछ आगे प्रोसेस नहीं बढ़ रहा है। हम लोग रोज मोबाइल चेक करते हैं यूट्यूब पे, और जहाँ भी मतलब इससे रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ मिलती है चेक कर रहे हैं, कोई विज्ञप्ति कुछ नहीं। तो हमारी मांग बस यही है कि हमें जो है विज्ञप्ति जारी करके हमारा आवेदन लिया जाए और हमें नियुक्ति पत्र दिया जाए। सर, हमारी मांग ये है कि सर हम लोग चाहते हैं सबसे पहले तो हम लोग की विज्ञप्ति जारी हो, और कितने पद है, लगभग 5,000 तक अध्याचन में पद आया था। सरकार से ये भी मांग है कि वो 5,000 रुपये विज्ञप्ति जारी करे, आचार संहिता लगने के पहले सब लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाए, क्योंकि सर सरकार भी चाह रही है कि भर्ती फंसा दिया जाए, और हम लोग चाह रहे हैं कि भर्ती ये क्लियर हो जाए, पहले निकली थी चुनाव के पहले तो पहले क्लियर हो जाए। और सर हम लोग इतने लोग हैं, हम लोग की युवा 25-30 वर्ष के हो गए हैं, कुंवारे हैं सर, हम लोग बहुत एकदम परेशान हैं, हम मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक प्रताड़ना, सारी प्रताड़ना झेल रहे हैं, और सर हम लोग चाह रहे हैं कि भर्ती जल्दी से जल्दी जो विज्ञप्ति आए पूरी हो, 5,000 पदों पर पूरी हो। सर यही है सर, रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट सर 1.5 महीने से आ चुका है, और भर्ती कम से कम 5,000 से 6,000 रिक्त पद पड़ी है, लेकिन सरकार जो है जैसे प्राइमरी में 97,000 पद पे था, 17,000 लालीपाप दे रही है, 6,000 पद 1,500 लालीपाप दे के 46,000 बच्चे हैं। आप ही समझ लीजिए एक सीट पे कितना कंपटीशन होगा, हाँ, जो 70-72 हैं वो भी क्लियर नहीं है, हमारा होगा कि नहीं हो ये भी पद नहीं पता कितने रिक्त हैं। जी नहीं, पद सर रिक्त हैं, जहाँ सब मालूम हुआ है कि 5,000 से 6,000 पद हैं इनके पास, लेकिन ये देना नहीं चाहते। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब पास कैंडिडेट हैं सर, फरवरी में इसका विज्ञापन जारी हुआ था, और 17 अक्टूबर को इसका पेपर होता है सर, 15 नवंबर को इसका रिजल्ट आता है। इसके बाद अभी तक सर ना इसके इसमें कितने पद हैं ये नहीं पता है, रिजल्ट आ गया उसमें 46,000 के लगभग अभ्यर्थी पास हैं, और हमारी मांग केवल इतनी है कि यह जो भर्ती का जीओ है नियुक्ति के लिए, वह आचार संहिता से पहले जीओ जारी हो जाए, और जितनी अधिक से अधिक अध्याचन में सीटें आएँ उन सीटों को जोड़ते हुए सरकार हमारी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करे, जिससे ये चुनावी उसमें यह भर्ती न लटक जाए और हमारा युवाओं का भविष्य जो है सुरक्षित हो। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जूनियर एडेड के जो अभ्यर्थी हैं इनका रिजल्ट आ चुका है 15 नवंबर को, जिसके बाद में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका ये भी कहना है जितने भी रिक्त पद हैं उस पर जल्दी भर्ती पूरी की जाए, आचार संहिता से पहले इनकी मांगे पूरी की जाए, जिसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि चुनाव सर पर है, कि योगी आदित्यनाथ इन युवाओं की बात सुनती है, या फिर ऐसा ही इनका धरना प्रदर्शन चलता रहता है। कैमरा पर्सन इमरान हैदर के साथ, मैं अंकित तिवारी, लिमरा न्यूज़, लखनऊ।